नमस्ते, मैं अर्चना आर्ते आप सभी का टेस्टी सफर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महाराष्ट्रियन स्टाइल की दाल बताने वाली हूँ, जो प्रसाद में बनती है और हमेशा भी हमारे घर में बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं वरण। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम तुअर की दाल ली है, लगभग एक कटोरी। उसे अच्छे से धो के पानी में आधा घंटा भिगो के रखा है। सबसे पहले हम कुकर में पानी लेंगे। कुकर के अंदर मैंने एक स्टैंड रख दी है और उसके अंदर पानी डाला है। एक बर्तन में ये भिगोई हुई दाल डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जितनी दाल ली है उसके दुगना पानी डाला है, लगभग दो कटोरी है। अब उसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग। इसको कुकर में रख देते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखना है, फिर लीड लगा लेंगे और 3 सीटी होने तक राह देखेंगे। तीन सीटियां हो चुकी है, कुकर भी ठंडा हो चुका है। अब हम दाल को निकाल लेते हैं। इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा टीस्पून चीनी और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दाल अच्छी तरह से पानी के साथ घुल जानी चाहिए, नहीं तो दाल और पानी अलग अलग दिखेगा। और इसको अभी एक उबाला आने देते हैं। अच्छा उबाला आ गया है, अब इसे निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। मेरी प्रसाद की थाली तैयार है। अब इसमें राइस पे वरण यानी दाल डाल देती हूँ और इसके ऊपर देसी घी। इस दाल के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि खट्टी मीठी दाल है, फिर तड़के वाली दाल है और ऐसे ही सब दाल वेराइटीज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आपको सब ये दाल सीखनी है तो आपको बेल आइकन पर एक ही बार क्लिक करना होगा और टेस्टी सफर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा।